वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग करो ना। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक, जो है रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बुक। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है उन लोगों के बीच जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ये है हिंदी में, और इसी तरीके से ये डिफरेंट लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। आपको उर्दू, तेलुगु, तमिल, बंगाली, इवन नेपाली लैंग्वेज में भी आपको ये मिलती है। अगर आपको हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी की बुक से सीखें। आप इसमें डिफरेंट लैंग्वेज की बुक आती हैं, आप उनसे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको वैसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होके स्टेप बाय स्टेप मिलती है तो आपके लिए अच्छा होता है। तो बस इस बुक में भी इसी तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप दी हुई हैं। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो उसे थोड़ा इजी होगा। बाकी आपको वीडियोस तो कहीं भी मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर ये बुक आपके पास होगी तो अच्छा रहेगा। आप जब चाहें, जहाँ चाहें ईज़िली आप बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, बेअटक अंग्रेज़ी बोलने का प्रभावी व सरल कोर्स। तो पूर्णता संशोधित एवं परिवर्धित अंग्रेजी व हिंदी डिक्शनरी सहित लेटर ड्राफ्टिंग पर विशेष परिशिष्ट। तो इसमें डिक्शनरी भी है, और यह है PM पब्लिकेशन की, और इसके साथ हमें रैपिडेक्स फ्लुएंसी किट, अ फ्री CD विथ इट्स स्क्रिप्ट इन पिंक पेजेस ऑफ द बुक। तो चलिए देखते हैं इस बुक को। इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया है, तो ऑफलाइन भी मिल जाता है। MRP आते हैं 235 है, लेकिन इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया था तो ये मुझे बहुत कम में मिली थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बैक साइड में देख सकते हैं, ये पेपर की है, ये देख सकते हैं पेपर बैक कवर है। कॉन्वेंट स्तर की शुद्ध व फराटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाने वाली ऐसी पुस्तक जो भारत के कोने कोने में फैली, हर प्रांत के लोगों ने पसंद की तथा समाज के हर वर्ग ने अपनाई। तो यहाँ देख सकते हैं इतनी सारी लैंग्वेज में आपको ये मिलेगी। तो ये देखिए, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पर्शियन, मराठी, बंगला, पंजाबी, उड़िया, उर्दू, असमी, नेपाली, अभी वो सिंगली, तो 16 भाषाओं में ये प्रकाशित होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं करोड़े पाठकों की पसंद, ये PM पब्लिकेशन की तरफ से है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा था कि पिंक पेजेस में आपको CD मिलेगी, तो ये हमें CD मिली है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड इंटरेक्टिव सेल्फ लर्निंग ट्यूटोरियल CD, एसेंट एंड फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, एम्फेसिस ऑन फोनेट्रिक फ्लुएंसी इन स्पीच, कन्वर्शनल स्किल्स, दिस CD इज अ पार्ट ऑफ द बुक। सो इसमें भी हमें कुछ मिलेगा। ये CD मैंने प्ले नहीं की है, तो मुझे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा एक और चैनल है एजुकेशन का, तो मुझे इस बुक की ज़रूरत उसके लिए थी, तो ये मैंने परचेस की है। तो रैपिडेक्स एजुकेशनल CD स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे इस CD में क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे पिंक पेजेस हैं। जैसे दोस्तों, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ यह CD और इसकी स्क्रिप्ट आपको हमारी ओर से एक विशेष भेंट है। यह CD आपको जहाँ अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों का सही प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण सिखाएगी, वहीं आपस में अंग्रेजी बोलने का आपको एक मॉडल भी देगी। इस प्रकार आप पढ़ने के साथ ही सुनकर और उस सुने हुए के साथ अंग्रेजी बोलचाल के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लेंगे। इस तरह आप अपने व्यक्तित्व विकास में एक नया खुशनुमा आयाम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन और कुछ इसी इंग्लिश से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह भी दिया हुआ है। तो ये है आपकी बुक। अब मेरा जो नया एजुकेशनल, मेरा जो एजुकेशनल चैनल है, सेकेंड चैनल जो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, ये इंडेक्स है, यहाँ पर कितना डिफरेंट चीज़
दी हुई है और स्टेप बाय स्टेप इसे अलग अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है, डिवाइड किया है कब क्या पढ़ना है। तो पूरा इंग्लिश का ए टू जेड चीज़ इसने कवर की हुई है, इवन सारे टेंस वगैरह हर चीज़ कवर करने के साथ साथ हाउ टू सेंटेंस कैसे बनाना है, उसके अलावा टॉक करना है आपको तो होममेड सर्वेंट के साथ शॉपिंग करने गए हैं तो कैसे आप बातें करेंगे, उस सब के बारे में भी दिया हुआ है। सिग्नल्स पे डॉक्टर के साथ हिंदी इंग्लिश बोल जा देखे कन्वर्सेशन दिया है, तो यहाँ पे कन्वर्सेशन है मदर एंड सन टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स आस्किंग द वे, किस तरीके से आप इंग्लिश में पूछेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर की गई हुई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड बिल्डिंग इन इंग्लिश, उसके अलावा एरर्स बताए गए हैं, अशुद्धियाँ जो होती हैं वर्ड्स में, और यहाँ पे आपको रोमन न्यूमरल्स नंबर्स और यहाँ पे देखिए लेटर राइटिंग के लिए भी आपको दिया हुआ यहाँ पे, और उसके अलावा आपको सीडी दिया है, आप सीडी लगा के भी आप प्रोनाउंसिएशन और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पर वोकेबलरी दी हुई है, इवन डिक्शनरी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी पढ़ती हूँ, इडियम्स एंड फ्रेसेस जिसे हम मुहावरे वाक्यांश बोलते हैं, टू वर्ड्स वर्ब क्रिया दी हुई है, प्रेफिक्स हो गया, एरर्स हो गया, जानवरों के नाम जो घरेलू उपयोग में होने वाले सामान के नाम, पेशे के नाम, वो सब आपको यहाँ पे ईजली मिल जाएंगे। और इसी तरीके की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे इसमें डिक्शनरी किस तरीके की दी हुई है। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, आप चाहें तो इसे शॉप से भी परचेस कर सकते हैं, डिस्काउंट आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, मैंने इसे ऑन किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये मैंने ड्यूरिंग सेल के समय लिया था तो मुझे इसमें काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिल गया था, तो मुझे बहुत ही अच्छे कीमत में मिल गई थी ये बुक। देखिए अंग्रेजी टू हिंदी शब्दकोश जिसे इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी बोलते हैं, जैसे यहाँ पर एक वर्ड देखते हैं हम एब्सेंस, उसे हिंदी में लिखा है और उसकी मीनिंग लिखी हुई है बीइंग अवे फ्रॉम अ प्लेस नॉन एग्जिस्टेंस, उसे हिंदी में और इंग्लिश में उसकी मीनिंग बताई है, उसके बाद हिंदी में बताया है अनुपस्थित भाव। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें डिक्शनरी क्लासिफिकेशंस आप देख सकते हैं, वर्ड्स विच आर एनरसली कंबाइंड, तो इस तरीके से कुछ कठिन शब्द जिनके लिखने में प्रायः भूल हो जाती है, इस तरीके कुछ शब्द यहाँ पे लेटर राइटिंग दिया हुआ है, ये देखिए तरह तरह के शब्द। तो प्रभावी पत्र लेखन के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश, तो ये जिन्हें अंग्रेजी सीखना है उनके लिए भी सही है, और जो लोग सही कहें तो जिन्हें हिंदी सीखनी है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी में दिया हुआ है उसे ही तो कन्वर्ट करके इसमें इंग्लिश में दिया है, तो वो ले सकते हैं, जिन्हें इस तरीके की डिफरेंट तरह की जानकारी चाहिए वो भी इसे ले सकते हैं। तो ये सबके लिए, ये स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग किसी भी एज के लोगों के लिए ये बहुत यूज़फुल बुक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसमें सारी चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं इंग्लिश सीखने के लिए, और इंग्लिश वैसे भी बहुत ज़रूरी हमारे जीवन में, इसलिए नहीं होता कि हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम बहुत ही लो स्टैंडर्ड हैं, इंग्लिश हमारा स्टैंडर्ड या हमें डिफाइन नहीं करता है, इंग्लिश सिर्फ हमें जैसे आप बाहर जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आप विदेश जा रहे हैं या फिर आप कोई बाहर काम हो रहा है किसी से बात करना यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो आपको मान लीजिए आप किसी चाइनीज से बात कर रहे हैं चाइना, किसी अमेरिकन, किसी ब्रिटेन ब्रिटिशर से बात कर रहे हैं, तो वो आपकी लैंग्वेज नहीं जानते, तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आप इंग्लिश में बात कर सकते, या फिर ये ज़रूरी होती है बहुत सारे जॉब्स के लिए,
तो इसलिए हमें इंग्लिश आना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश, तो उसमें हमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। हमें अपनी मातृभाषा मदर लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो भी जान जाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो इसलिए अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर ले सकते हैं इस बुक को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू बुक, न्यू प्रोडक्ट, चाहे वो किचन का हो, टॉय का हो, उसके रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।